आज का हमारा रेसिपी है मटर पुलाव। आप देख सकते हैं ये बन के बिल्कुल रेडी है। इसका एक एक दाना अलग अलग हो चुका है। जिस तरह से मैंने बनाया है आप उसी तरीके से बनाएं और खाएं। ये बहुत ही हेल्दी होती है और इसमें बहुत ही कम सामान डलता है और ये तैयार हो जाता है। मैं इसे खा के बता सकती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे खाइए और ट्राई करिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू। इसमें तेल डालेंगे। एक बड़ा प्याज है, थोड़ा सा धनिया पत्ता है, 3 से 4 हरी मिर्च ले लीजिए। ये हमारे छोटे हैं इसलिए हमने ज्यादा लिए हैं। और 2 मीडियम साइज के टमाटर। हमारा तेल गरम हो चुका है, उसमें डालेंगे ये 1/2 चम्मच जीरा, 2 इलायची, छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और ये दालचीनी। और ये 2 तेज पत्ता, ये सारे हम इसमें डाल लेंगे। इसमें डालेंगे ये प्याज। ज्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा ही पकाएंगे। ये हमारा प्याज भून चुका है, इसे लाइट पिंक होने तक ही फ्राई करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। इसमें डाल देंगे टमाटर, हरी मिर्च, इसे भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे पका रहे हैं। अब इसमें डालेंगे मसाले, स्वाद अनुसार नमक। देख सकते हैं 2 मिनट इसे भून लिया। अब इसमें ऐड करेंगे ये मटर। ये मटर डाल के हम इसे 5 मिनट भून लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा 2 मिनट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे चावल, ये हमने वॉश कर लिया है और थोड़ी देर इसे भिगा के रख दिया है। इसमें ऐड कर देंगे सारे चावल। चावल इसमें डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें कुछ भी नहीं डालिएगा, ये हमारा सिंपल मटर पुलाव है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और फिर बताएं। और इसमें हम पानी डाल देंगे। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो हमारा चावल गीला हो जाएगा, बिल्कुल खिला खिला बनेगा कम पानी डालने से। आप देख सकते हैं अब इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, ये बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता हमने ऐड कर दिया। अब इसे 2 सीटी आने तक पका लेंगे। हमारा 2 सीटी लग चुका है, अब इसे खोल कर देख लेंगे। ये देखिए हमारा मटर पुलाव बनके कुछ इस तरह से तैयार है। ये देखने बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है, एक एक दाना खिला खिला है और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नीचे से नहीं जला है। आप देख सकते हैं तो इस तरह से पकाइए।